फाइनेंस के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई और अपने सारे से शेयर करे सारे कोर्सेज के सारे इंटर्नशिप्स के और बहुत सारी चीजों के लेकिन आजकल ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन या फिर एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में कि यार इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल बढ़ रहा है इन ऑल द जॉब्स नॉट जस्ट फाइनेंस तो क्या उससे हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं क्या कोई इम्पैक्ट आएगा क्या वो फील्ड रहेगी भी या नहीं रहेगी शुड आई डू थ्योरी कोर्सेज और शुड आई नॉट डू इट ये बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज ऑफ फाइनेंस आई एम एवर मेकिंग क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का दैट यू विल रियलाइज वंस वी गो थ्रू आगे अगर मैं पांच या दस साल पहले जाऊं तो फाइनेंस जो होता था ना पूरी की पूरी फाइनेंस की फील्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस की इन जनरल तो वो सारी की सारी फील्ड्स में मोस्टली ह्यूमस का मेन रोल रहता था अलॉन्ग विदन सर्टन टूल्स एक्सेल आप यूज कर रहे हो कोई एस यूज कर रहा है बट वेरी रेयरली यूएससी की समवन एज टॉकिंग अबाउट यार कोडिंग के बारे में बात करते हैं या टेक के बारे में बात करते हैं दैट टू इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस बट रिसेंटली ये चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड बट इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको वो नहीं आता होगा तो आप बिल्कुल पीछे हो या यू वोट गेट एनी अपॉर्चुनिटीज अगर हम उनको सीखना शुरू कर दें तो इट इज़ मोर रेलिवेंट जैसे अगर एक रिपोर्ट की मैं बात करूँ फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ ऑल द फाइनेंस जॉब्स फाइनेंस रोल्स दे आर इंक्लूडिंग सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी ऑलरेडी मैं मैंने इतना एम्फोसाइज क्यों किया क्योंकि यार अगर आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कोविड के बाद से आना ज्यादा शुरू हुआ है उससे पहले से तो आंसर इज वेटी सिंपल कि दो हजार के बाद ये वेव बढ़ती चली गई है और खास करके पिछले दो साल में जो इसमें इंप्रूवमेंट और ग्रोथ हुई है वो बहुत ही इमेंस थी सो वेन आई से ऑलरेडी बिकॉज आई फील कि ये वाली ग्रोथ कम नहीं होगी मे बी ग्रोथ का पेस जिससे वो ग्रो कर रही है थोड़ी सी कम हो जाए बट अदरवाइज इट इज ऑल हेयर टू स्टे एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट सो डज दैट मीन दैट ए आई विल रिप्लेस फाइनेंस जॉब इसका आंसर हाँ भी है और इसका आंसर ना भी है हाँ इसलिए बिकॉज ऐसी कुछ फील्ड्स डेफिनेटली होगी जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशनल काम था और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू लेकिन फाइनेंस ओवरऑल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको चाहिए यार कि ह्यूमन इंटरवेंशन हो यू आर डीलिंग विद सो मच ऑफ मनी एंड ऑल दीज थिंग यहाँ पे यू कॉन्ट ऑपरेट विदआउट ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर सुपरविजन आपको चाहिए वो सो so, क्या होगा कि अभी भी उतने जो रोल्स हो सारे इंपॉर्टेंट रोल्स है वो रहेंगे आप जैसे काम करते हुए चल रहे थे जैसे पढ़ाई करते हुए चल रहे थे यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट बट हाँ कुछ कुछ फील्ड के अंदर यू विल सी स्लाइट फॉल एम्प्लॉयमेंट के अंदर और कुछ कुछ फील्ड्स के अंदर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स या कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी विच विल मेक यू मोर एम्प्लॉयबल तो आज मैं इस वीडियो में सात अब ऐसे स्किल्स के बारे में बात करूंगा ऐसे रोल्स के बारे में बात करूंगा जिसके अंदर एआई का रोल फाइनेंस में काफी बढ़ गया है एंड यू शुड प्रॉब्ली लुक इनटू देम एज वेल कि अगर मुझे डर है ना यार कि फाइनेंस को रिप्लेस तो नहीं कर देगा एआई नहीं करेगा बट अगर मैं उस फील्ड में जाने की सोचूं जिसके अंदर ए भी है और फाइनेंस भी है तो जाहिर सी बात है कि वो हाई पेइंग भी होगी और वो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज होंगी सबसे पहले कॉमनली बहुत लोगों ने सुना है और वो है डेटा एनालिसिस तो मुझे अगर डेटा एनालिस्ट बनना है या कुछ उसमें फील्ड में जाना है इज दर एनी स्पेसिफिक थिंग दैट आई शुड बी डूइंग द आंसर इज येस हमारे कॉलेज के कोर्सेज कभी भी इनफ नहीं होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं तो आई एस एस एटसेट्रा लाइक शोन ऑन द स्क्रीन आर इम्पॉर्टेंट और इनमें आप डिग डीप कर सकते हो पैटर्न और ट्रेंड्स समझने के लिए इसमें कुछ और एडवांस वर्सन भी होते हैं इसके बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी अपने जॉब में नया नया है तो आपको इसके एडवांस में जाने की अभी जरूरत नहीं है ट्रस्ट मी अगर आप यही कर लोगे ना जो मैंने अभी मेंशन की है स्क्रीन के ऊपर यू विल नॉट बिलीव दैट 90 परसेंट पीपल डिस्पाइट डूइंग जरूरी है तब भी वो नहीं करते हैं बट ट्रस्ट मी इफ यू फॉलो दीज विच आई शोड ऑन द स्क्रीन जस्ट नाउ आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इज़ लाइक मच मोर मैं परसेंटेज में बयान ही नहीं कर सकता कि कितने बढ़ जाएंगे उससे. So, इसके वाले, लिए है जो चार पांच साल से सा ऑलरेडी इंडस्ट्री में है सब कुछ कर चुके हैं कॉमेंट you know कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लेना बट अदरवाइज अगर आप सत्ताईस अट्ठाईस हो तो अगर आप यही ये, ये बहुत है दूसरा होगा मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग ध्यान से सुनना अंडरस्टैंडिंग जो मशीन लर्निंग होता है विद आर्टिफिशियल

मेक योर जॉब इजियर जिस काम में हम मैनुअली लगे रहते हैं सोचते रहते हैं ये ए और एम उसको आसान करने के लिए हैं। अगर हम उनको सीखना यूज करना सब कुछ सीख जाए नंबर थ्री पे इस वीडियो का मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और वो है प्रोग्रामिंग एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप टेक के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं हो यू नो कि प्रोग्रामिंग क्या होता है बट हमने कभी किया नहीं है वो एंड दैट इज़ वेन यू गेट दी आइडिया ये यार प्रोग्रामिंग इन फाइनेंस भी शायद कुछ होता है और शायद मुझे वो करना पड़े तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है स्टूडेंट को मैं आपको एक बहुत जल्दी से एक बहुत छोटी स्टोरी बताता हूँ सो वन आई वॉज इन कॉलेज आई स्टार्टेड यूजिंग इन लिंगडन एक्टिवली जब मैं लिंगडन यूज करता था तो आई आई यूज टू यू नो नेटवर्क विद अ फ्यू पीपल तो मैं एक्टिव हो गया था बाई ट्वेंटी नाइनटीन मैं काफ़ी एक्टिव था 2019 में, में मेरा फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर शुरू ही हुआ था एंड आई कनेक्टेड विद सम फ्रॉम अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट बैंक ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट बैंक मैंने उनसे पूछा सर आई एम डन विद एफ आर एम आई वॉज डन विद एफ आर एम बिफोर द थर्ड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन तो शुड आई डू सी एफ ए नाउ बिकॉज सी एफ एम में क्राइटेरिया भी होता है कि आपको थर्ड ईयर से पहले नहीं करना है अब वो चेंज हो गया सेकेंड ईयर हो गया बट मेरे टाइम में वो थर्ड था तो उन्होंने कहा रेशान सी एफ ए कर लेना बट इफ़ यू कैन डू प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग प्रोग्राम में कौन सी एग्जैक्ट लैंग्वेजेस वो भी मैं बताता हूँ अगर वो कर सकता है ना तो वो कर ले आई गोट आ लिटल कंफ्यूज बिकॉज यार मैं क्या करते हो एन एस सी के कोर्सेस कर लिया एनआईएसएम कर लिया एफ कर लिया सी दिमाग में फाइनेंशियल मॉडलिंग भी कर लिया सब कुछ कर लिया तो मेरे दिमाग में कभी प्रोग्रामिंग आया ही नहीं था उस टाइम तक मैं सुनता था कि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग बोल रहा है बट अब मुझे पता ही नहीं था कि प्रोग्रामिंग में एक्जैक्टली exactly होता क्या है कि मैं प्रोग्रामिंग में सीखूंगा क्या तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं उसको फाइनेंस में कैसे यूज करूंगा बट दैट इज वेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट एंड आई एम अबाउट टू शेयर माई रिसर्च एंड इन शॉर्ट आई एन टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज दैट यू शुड डू एंड वाई यू शुड डू इट देखो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़रूरी है वो है नंबर वन पाइथन एंड नंबर टू आर लैंग्वेज अब शुड आई डू राइट अवे आई अगर आप कर सकते हो इट इज बेटर है कम है, ये सारा काम ज्यादा है, है, या फिर backend में भी ये वाला काम वेरी बिगिनर या फ्रेशर अगर आपने ये नहीं किया है इट इज स्टिल ओके आई एम नॉट द बेस्ट पॉसिबल थिंग कि आपको पता है ये इंपॉर्टेंट और आपने नहीं किया है बट अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हो सो द थिंग इज की अलॉट ऑफ प्रेशर्स आर नॉट डूइंग इट तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो नंबर वन तरीका इसकी यार इसको तो कोई भी नहीं कर रहा है दस परसेंट लोग कर रहे हैं तो मेरा भी हो ही जाएगा उनके साथ में मेरी बाकी प्रोफाइल अच्छी है दिस इज़ वन वे द सेकेंड वे इसको तो कोई नहीं कर रहा अगर ये मैंने कर लिया तो मेरे से आगे कोई नहीं देर आर टू वेज थिंक अबाउट इट द ओनली इशू इज एज अ कामरस स्टूडेंट कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ सकता है इन चीज़ों के अंदर बिकॉस तो पाई थे ना नार्किट नॉलेज आपको ज़्यादा नहीं होगी पहले से भी बट दे आर इजी लैंग्वेजेज एज जो हम बाकी की कोडिंग लैंग्वेजेस से बात करते हैं कंपेयर करते हैं दीज आर ईजीयर एज कम्पेयर सो यू कैन ट्राई इट आउट राइट अवे खास करके जो मैंने बताया प्रोफाइल्स को आप देख रहे हो उसके अंदर अगर इनका रोल है तो डेफिनेटली पाइथन आर आपको करना चाहिए बहुत सारे रोल्स हैं इनके मॉडल प्रेडिक्शन में काम करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं एंड सो ऑन एंड ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट एज आई सेड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि ये सारा आपका काम आसान करने के लिए इट्स नॉट देयर टू टेक योर जॉब्स इट इज देयर टू मेक योर जॉब ईजी अगर मैं उसको सीख जाऊंगा तो मैं अपना लॉन्जिविटी भी बढ़ा रहा हूं जॉब के अंदर मैं अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा हूं और मैं अपनी सैलरी भी बढ़ा रहा हूं बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर टेकिंग दिस सीरियसली इवन नाउ नंबर पे आता है भी थोड़ा आसान और वो होता है स्टैटिस्टिकल अनाल ये काफी सिमिलर है आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स का ना कहीं ना कहीं एक मिक्सचर है खास करके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का बिकॉज इसमें एक्सेल जैसे टूल्स और इनकी अंडरस्टैंडिंग और बेसिकली सारे स्टैट्स का जो मेन मेन पार्ट है उनका रोल क्या होता है वो सब कुछ कवर होता है सो आई बिलीव कि अगर आप पहले तीन कवर कर लेते हो लेस फोर्थ कवर कर लोगे बट आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दिस सेपरेटली बिकॉज लोग ना इसको ओवरलोड कर देते हैं सुनने में लगता है स्टार्ट्स तो हम बचपन से पढ़ते रहे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो तो था में क्या ही होता है मीन ऑल इट्स बियॉन्ड दैट दैट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी अगर आप पहले तीन करते हो फोर्थ पॉइंट आप कर ही लोगे मैं इसको सेपरेटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत लोग इसको अभी भी स्किप कर रहे हैं और ओवरलोड करने से क्या होता है हम भूल जाते हैं इसके बारे में तो जब ये कल को हमसे पूछता है तो हमको पता ही नहीं होता है बेसिक्स करना भी उतना ही जरूरी है जितना हम प्रोग्रामिंग के बारे में सोच रहे हैं या बाकी चीजों के बारे में सोच रहे हैं नंबर फिफ्थ पे पर्सनल फेवरेट फाइनेंशियल मॉडलिंग जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लोगे आप अपनी लाइफ को उतना तो ही आसान बना लोगे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको ए से डर लग रहा है ना और आपको प्रोग्रामिंग में नहीं भी जाना फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लो यू विल बी सॉर्टेड फाइनेंशियल मॉडलिंग एक तरीके से वो ही करता है मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है ईशान ने देखा यह रिलायंस का शेयर मुझे खरीदना है बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत ही बेसिक इसने देखा कि रिलायंस का शेयर की ना आज करंट मार्केट प्राइस है तीन हज़ार रुपये तो मुझे देखना है कि ये फंडामेंटली एक्सपेंसिव है या फिर ये चीप है ये प्राइस इसका तो मैं इसको कैसे कंपेयर करूंगा मैं करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करता हूँ इंट्रेंसिक वैल्यू से जो वैल्यू उसकी होनी चाहिए या जो वैल्यू उसकी डीप डाउन फंडामेंटली है तो इसके लिए मैं सिंपल सा काम करूंगा रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाऊंगा करंट और पास के उसको लेके मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन करूंगा एंड देन आई कम टू द कंक्लूजन ऑफ इंटरेंसिक वैल्यू आई कैन डू फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दट इज वन आई विल कम टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन इन शॉर्ट बहुत ही छोटा एग्जाम्पल बट इसके बहुत तरीके होते हैं मर्जर्स एक्विजीशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल एनालिसिस ऑल दीज प्रोफाइल्स दे रिक्वायर यू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग डीपली जितनी जल्दी आप कर लोगे इट्स द बेस्ट मैं हमेशा एक और चीज बोलता हूँ कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर आप कर लेता इंटर्नशिप करने की भी जरूरत नहीं है एज इन मिल गई तो बढ़िया बट नहीं मिली तो खुद के लाइव प्रोजेक्ट्स बना लो ना किसी भी कंपनी को उठा सकते हो किसी भी नए मर्जेस को उठा सकते हो किसी भी नए एक्विजेशन को उठा सकते हो अभी रिसेंटली जोमैटो ने पेटीएम का एक सर्टन बिजनेस एक्वायर कर लिया उसके ऊपर बना सकते हो बिल्कुल मैं आपको रिसाम्पल दे रहा हूं बिल्कुल वीडियो बनाते हुए आई गॉट द अंडरस्टैंडिंग वो याद आया तो मैंने बता दिया तो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स यू कैन इन योर रेज्यूमे यू कैन लर्न प्रैक्टिकली थिंग्स एंड देन यू कैन स्पीक अबाउट इट इन दी इंटरव्यू जो मैंने भी अपने टाइम पर किया था मैंने बताया हुआ है कि मैंने बिग फोर के इंटरव्यूज में कैसे इसका आंसर किया हुआ है सो डू इट ईजिएस्ट थिंग टू डू थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी इसको सीखने में बिकॉज एडवांस एक्सेल आना चाहिए पहले एक्सल सीखोगे देन ये सीखोगे देन यू कैन गेट इन टू इट वेरी इजिली फिलटर के अंदर भी वी टीच यू फाइनेंशियल मॉडलिंग अलग विद लाइफ प्रोजेक्ट इफ यू वॉन्ट चेक इट आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन देख सकते हो इफ यूर इंटरेस्टेड नंबर सिक्स और नंबर सेवन मैं साथ में बता रहा हूं क्योंकि ये काइंड ऑफ इंटरलिंग है बट इंपॉर्टेंट है अगेन बेसिक है बट ओवर लुक लोग कर देते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये दोनों बहुत जरूरी है सुनने में लगेगा इट्स वेरी इजी बट नो वन आई टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग यू नीड टू अंडरस्टैंड मोस्टली फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम हुई है उसको लोगों ने कैसे सॉल्व किया है बेसिकली अबाउट ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू हैव द नॉलेज अबाउट इट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ लेकिन फाइनेंस वर्ल्ड में क्या हो रहा है मुझे तो मालूम ही नहीं है दो हज़ार आठ में क्या हुआ या कोविड में क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट बट हाँ मुझे तो फाइनेंस प्रोफेशनल बनना है तो जितनी जल्दी आप सीखना शुरू कर दोगे चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे वो उतना ही वैल्यूबल रहेगा एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल्सो अराउंड द सेम थिंग कि किस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या हो सकता है किसी की जी नेगेटिव आ रही है ग्रोथ नेगेटिव आ रही है तो आगे क्या हो सकता है अगले क्वार्टर में दो क्वार्टर में अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको रिसेशन बोलते हैं रिसेशन में क्या होता है कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड लर्न थिंक अबाउट इट एंड दैट इज़ व्हेन यू गेट अ कंबाइंड होलिस्टिक व्यू ऑफ अ फाइनेंस प्रोफेशनल फाइनेंस इज़ नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट फाइनेंस इज़ नॉट जस्ट एम बी ए सी ए इट्स बियॉन्ड इट दीज थिंग्स आर लाइक टूल्स विच विल हेल्प यू ंडरस्टैंड थिंग्स बट इसके बियॉन्ड जाना रियल लाइफ में क्या हो रहा है यह समझना यह आपका काम है विद दिस आई रैप अप द वीडियो कुछ भी क्वेश्चन होगा अराउंड ए आई एंड फाइनेंस इन जनरल कुछ भी लेट यू नो इन द कॉमेंट्स आई ट्राई टू टेक द मैक्सिम कॉमेंट्स साथ ही साथ कोई और टॉपिक रिकमेंडेशन है मेरे को बता देना आई ऑलवेज मेक वीडियोज ऑन द मैक्सिमम लाइक्ड कॉमेंट ताकि मुझे पता रहता है कि ये लोग देखना चाहते हैं वीडियो बहुत ज्यादा सो so, उसका ध्यान रखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो